इसके लिए हमने कहा समय जितना भी है उसमें करेंगे। कहा नहीं, इसके लिए नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हम इनवाइट करने पड़ेंगे, उसके बाद बहुत सारा वक्त लगेगा। हमने कहा जो भी वक्त लगेगा आज से शुरू करो, कल नहीं आज से शुरू करो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके हमने हिमाचल प्रदेश में 15 सालों के बाद 412 नई पंचायतों का गठन किया, 412 नई। और हिमाचल के इतिहास में आज तक के सबसे ज्यादा अगर पंचायतें किसी कार्यकाल में बने तो ये कार्यकाल है जहां 412 पंचायतें, या तो कितनी बनती थी 100, 1500, 20, 50, 100 ऐसी बनती थी, सुपर नहीं बनती थी। फिर जहां तक नगर निगम की बात आई, हमने कहा यह भी सोचा जाए, सोलन का इलाका, सोलन बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पॉपुलेशन की पॉपुलेशन चाहिए थी, वो बहुत गरीब थे। मंडी का पता किया, मंडी भी पॉपुलेशन काफी थी, लेकिन 50,000 का आंकड़ा वहां नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब पालमपुर का पता किया तो पालमपुर की नगर परिषद जो है यहां पर जो थी, यहां पर उसकी पॉपुलेशन तो बहुत कम थी। लोगों ने कहा कि नहीं बननी चाहिए, और कुछ लोगों ने फिर कहा कि भाई बिल्कुल बननी चाहिए। जिला मुख्यालय में तो समझ में आता है कि भाई वहां पर कॉरपोरेशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, लेकिन हमने कहा ये जरूरी नहीं है कि जिला मुख्यालय की ही कॉरपोरेशन बनाई जाए। धर्मशाला में कॉरपोरेशन बन गई है, लेकिन कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसलिए पालमपुर में भी कॉरपोरेशन बनाकर छोड़ेंगे, आपको अपने कॉरपोरेशन बनाकर। कई तरह की बातें आई, और कुछ यहां टैक्स लग जाएंगे आपके ऊपर, जो है वो रेवेन्यू का जो है वो कानून लग जाएंगे, आपका मनरेगा खत्म हो जाएगा। शहर में तो कहते रहे कि कॉरपोरेशन बननी चाहिए, लेकिन गांव में जाकर के कहते रहे कि कॉरपोरेशन नहीं बननी चाहिए। हमने इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट किया कि अगर कॉरपोरेशन बनेगी तो गांव के सहयोग से बनेगी, जब तक गांव के लोग शहर में शामिल नहीं हो पाएंगे, कॉरपोरेशन के एरिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, तब तक के लिए कॉरपोरेशन नहीं बना सकते। इसलिए मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों की सहमति, आप सबका सहयोग इसमें मिला है, तब जाकर के पालमपुर की कॉरपोरेशन बनाने में हम सफल हुए। कॉरपोरेशन बना करके हमने जब ये तो कहा कि टैक्सेस लगेंगे, यहां मुझसे पहले मंत्री जी ने बात स्पष्ट कर दी, हमने कहा कि 3 साल तक हिमाचल प्रदेश की नई कॉरपोरेशन में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, और उस वक्त कहा था हमने। लेकिन उसके बाद हमारे कुछ साथी मिले, हमने हमसे कहा कि नहीं, 3 साल की बात क्यों करते हो, 5 साल की करिए, कॉरपोरेशन 5 साल के लिए बनेगा। हमने कहा आपकी बात ये भी मान ली, हमने कहा 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और हमने दूसरी बात ये भी कही कि जो गांव में जो हमारे जमीन के जो जदी जमीन के हक हकूक हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कायम रहेंगे जैसे आप पंचायतों में रहते थे, वो वैसे के वैसे कॉरपोरेशन के इलाके में जाने के बावजूद भी वैसे के वैसे कायम रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं उसके। तीसरी बात जो मनरेगा की बात यहां पर कही, गांव में मनरेगा के अंतर्गत वो बहुत सारे लोग रोजगार करते हैं, और पीछे जब कोविड का संकट आया, उस संकट के दौरान जब हमारे सामने शहर के कुछ लोग मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि गांव में तो मनरेगा आपने शुरू कर दिया, वहां तो रोजगार के रास्ते खुल गए, हम शहर के लोग कहां जाएं, हम भी बहुत गरीब हैं, हमको मजदूरी करने के लिए कोई गुंजाइश दे दीजिए। लेकिन जब पता किया कि शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू नहीं होती, शहरी क्षेत्र में कोई योजना ऐसी नहीं, पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हमने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के लिए भी मुख्यमंत्री आजीविका योजना जो है गारंटी के साथ जो है उस तरह से हमने शुरुआत की।
आज शहरी क्षेत्र में कोई आदमी अगर मजदूरी करना चाहता है गारंटीड योजना के साथ जो हमारी जो मनरेगा की तरफ पर उस पर काम कर रहा है। अब हमारे कांग्रेस के लोग बहुत परेशान है, वो तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी बोलने के लिए, वो तब विरोध करे तो करें कैसे। मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में वो आपके बीच में क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पालमपुर एक ऐसा इलाका है, पालमपुर एक ऐसा शहर है जो बहुत तेज गति से बढ़ता शहर की है। आपके यूनिवर्सिटी यहां पर पालमपुर में है और उसके बाद एक नहीं अनेकों बड़े बड़े यहां पर जो है हमारे डेवलपमेंट के यूनिट यहां पर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जहां पर कॉरपोरेशन बनाने की बात आती है तो उसमें जिला मुख्यालय होना चाहिए, पहली प्राथमिकता वही होती है। लेकिन हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एकमात्र कॉरपोरेशन ऐसी कॉरपोरेशन है जो जिला मुख्यालय नहीं है भले ही, लेकिन उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन आपको दे दी गई है। आज मैं सुबह पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था, कुछ लोग कहने लगे क्या, उन लोगों ने कहा कि आपने कॉरपोरेशन दे दी, हम जिला दे देंगे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनकी बातों पर, कब देंगे। दिल्ली में सरकार भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और हिमाचल में सरकार भाजपा की, और आने वाले समय में भी आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग चाहिए। 2022 में भी भाजपा की ही सरकार हिमाचल प्रदेश में। आज वो बातें कर रहे हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है, जो अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि उनका नेता प्रदेश में कौन होना चाहिए, जो अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि कॉरपोरेशन यहां पर बन गई इसका हमको स्वागत करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। गांव में विरोध कर रहे हैं, शहर में स्वागत कर रहे हैं। ये परिस्थिति कांग्रेस के पूरे देश भर की है। कंफ्यूज नहीं, मैं तो बोलूंगा फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड। ऐसे बोल लट्टू नहीं, फ्यूज हो जाता है, लट्टू ही फ्यूज हो गया इनका, ये हालत है इनकी। जब कांग्रेस का भविष्य पूरे देश में समाप्त हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि उनको तलाशना नहीं चाहिए। और मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बना करके चलाने का अवसर मिला। एक के बाद एक परीक्षा के दौर का पार करते हुए हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कोविड का संकट, इतना बड़ा संकट हमारे सामने आया, लेकिन फिर भी हमारा गांव का आदमी, शहर का आदमी चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ा। लोकसभा का चुनाव आपके सामने हुआ, उसको जीता, और जीता ही नहीं इतिहास बना करके जीता, चारों सीटें जीते। कांगड़ा की सीट 4,80,000 वोटों से जीती है, मंडी की सीट 4,05,000 वोटों से जीती है, हमीरपुर की 4,00,000 वोटों से जीती है, शिमला की 3,30,000 वोटों से जीती है। 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में भाजपा की जीत हुई है, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस के जमाने में भी 68 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में हिमाचल में उनकी जीत नहीं हुई। उपचुनाव हुए उसमें हम जीते, धर्मशाला 50 दोनों जगह हम जीते। पंचायत के चुनाव का जिक्र हो रहा था, 75% पंचायतों में भाजपा के प्रधान बने, 11 जिला परिषद में से 9 जिला परिषद के चेयरमैन भाजपा के, नगर परिषद में भाजपा, नगर पंचायत में भाजपा, तो कॉरपोरेशन में कहां से जगह मिल पाएगी उन लोगों को, नहीं मिल पाएगी। उनको यह भूल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे 3 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का ड्रामा पर यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोग करते रहे,
कोविड का इतना बड़ा संकट, दुनिया का सबसे बड़ा, सदी का सबसे बड़ा संकट, उस संकट के दौर में से हम लोग गुजरे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने उस संकट में भी हमारा साथ दिया। यहां जिस तरह से मदद करने के लिए बोला उस प्रकार से मदद की। हमने कहा किसी को राशन की जरूरत है, आपने राशन में मदद करी। हमने कहा किसी को खाना बना करके देने की जरूरत है, खाना बना करके लोगों को दिया। किसी को मास्क पहुंचा करके देने की आवश्यकता है, आप लोगों ने मास्क बना करके लोगों तक पहुंचाने में मदद की। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला। लेकिन कांग्रेस के लोग चीखते चिल्लाते रहे और उस कोविड के संकट में भी अपनी भाषा में क्या क्या बातें करते रहे। 2.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के, जिसमें बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग देश के दूसरे हिस्से में फंसे हुए थे। पूरे देश में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से ऐसी परिस्थिति बन गई, ऐसे हालात बन गए कि सब अपने घर आना चाहते थे, कैसे लाए घर, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उन लोगों को घर लाने की व्यवस्था की। हिमाचल के बच्चे कोटा में पढ़ाई के लिए गए थे, लॉकडाउन हो गया, जहां खाना खाने जाते थे ढाबे में, रेस्टोरेंट में, वो ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए। बच्चे कमरे के अंदर, 1 महीने तक कमरे के अंदर रहे, संकट में रहे। उन बच्चों को घर लाना बहुत जरूरी था। हमने हिमाचल की बसें राजस्थान के कोटा में पहुंचाई, 50 बसें वहां खड़ी की और बच्चों को उन बसों में बिठा करके उनके घर तक पहुंचा। 5,000 बच्चे हमारे हिमाचल के गोवा में नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए गए थे, रेस्टोरेंट में, होटल में। लॉकडाउन हो गया, गोवा में रेस्टोरेंट बंद हो गए, होटल बंद हो गए। वो बच्चे परेशान होकर के, नौजवान हमसे संपर्क करने लगे। हमने सोचा कि 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे। जब हमने रजिस्ट्रेशन गोवा की करने के लिए, 5,000 नौजवान हिमाचल के गोवा में काम कर रहे थे। हमने 5 ट्रेनें वहां से लगाई और 5 ट्रेनों में उनके लिए बुकिंग करके जो है स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से उनको ऊना पहुंचाया और ऊना से बसों के माध्यम से घर तक पहुंचाया। बच्चे बेंगलोर थे, पढ़ने के लिए गए थे, बेंगलोर से स्पेशल ट्रेन से घर पहुंचाया। ऊना थे, मुंबई थे, दिल्ली थे, हर जगह थे। और उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग राजनीति करने की बात कर रहे थे। वो ही चिल्लाते रहे जब तक बच्चे लाए नहीं थे, तो बोल रहे थे कि भाई आप उनके लिए लाने की मदद नहीं कर रहे। जब बच्चों को लेकर के आए तो कहने लगे कि हिमाचल को कोरोना फैलाने का आपने इंतजाम कर दिया। वो करना क्या चाहते वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे। इसलिए बहुत बातें भाइयों बहनों, इन 3 साल के कार्यकाल, 3.25 साल का कार्यकाल आप सबकी सेवा में बीता है। और सही माने में मैं कहूं कि काम करने का वक्त सिर्फ 2 वर्ष, 1 वर्ष तो कोविड संकट ने ले लिया। हमने काम करने की कोशिश की। जब हमको हिमाचल प्रदेश में हमको लगा कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए हमने यहां धर्मशाला में कार्यक्रम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी धर्मशाला आए और उसके साथ साथ में हमारी एक इच्छा है कि कांगड़ा हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हमने कहा कि ये एयरपोर्ट जो है इसका विस्तार होना चाहिए। हमने फाइनेंस कमीशन, लेकिन पालमपुर सबसे बड़ी कॉरपोरेशन, सबसे ऐसी एक ऐसी कॉरपोरेशन होगी जहां अभी तक खुला है। हम मास्टर प्लान कर रहे हैं, मास्टर प्लान करने के बाद फिर कॉरपोरेशन के माध्यम से यहां इसकी शुरुआत, इस काम की शुरुआत करेंगे। जहां सड़क चौड़ी करने होगी वहां पर सड़क चौड़ी करेंगे, जहां सीवरेज के लिए व्यवस्था करनी होगी वहां पर सीवरेज का इंतजाम करेंगे, जहां बुजुर्गों के लिए पार्क बनाने की जरूरत रहेगी वहां पर पार्क बनाएंगे, जहां हॉस्पिटल को अच्छा बनाने की योजना की आवश्यकता होगी वहां पर हॉस्पिटल बनाएंगे, जहां एजुकेशन के सेक्टर में हमको और बेहतर काम करने की आवश्यकता होगी वहां पर उसको बनाएंगे, जहां बिजली की हमारी तारें जो छत के ऊपर से जाती हैं, घरों के ऊपर से शहर में जाती है, उनको अंडरग्राउंड जो है केबलिंग की व्यवस्था जो जैसे की जा सकती है उसका इंतजाम उस तरह से करेंगे। पूरी इस कॉरपोरेशन के लिए इतनी बड़ी संभावना है। पूरे देश का टूरिस्ट जो हिमाचल आता है, धर्मशाला, पालमपुर आता है, तो वो इस कॉरपोरेशन में जब उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस तरीके के साथ हम उस
कॉरपोरेशन के काम को आगे जब मास्टर प्लान के साथ बढ़ाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबसे सुंदर कॉरपोरेशन हमारी ये पालमपुर की कॉरपोरेशन बनने वाली है। और उसके बाद हमने ये भी बात की, कुछ लोग कहने लगे कि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि गांव के लोग हैं थोड़ी उनकी नाराजगी है कि वो शहर में जाना नहीं चाहते। मैं भी गांव का आदमी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं क्या गांव में अगर पार्क बन जाए, सड़कें चौड़ी हो जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए, सीवरेज का सिस्टम हो जाए और उसके बाद वहां पर जो है सारी पार्किंग की अच्छी सुविधा हो जाए, खेल के लिए मैदान हो जाए, अगर ये सारी चीजें अगर गांव में हो जाए तो क्या बुरा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, फिर भी अगर गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमको शहर में नहीं रहना, हम तो गांव में रहना चाहते हैं, तो 2021 की जनगणना का इंतजार करें। बहुत सारा ऐसा इलाका जो होगा जो गांव में रहना चाहता है, शहर में नहीं आना चाहता है, उस पर हम पुनः विचार करेंगे। अगर उनको गांव में रहना है तो उनको गांव में ही रहने देंगे, जैसे जहां खुश होगा वैसे हम करेंगे। हमें आदमी खुश चाहिए, हमको व्यक्ति खुश चाहिए, हमको आप खुश चाहिए, हमारे लिए सब सर्वोपरि वही बात है, जहां आदमी को आनंद लगे। लेकिन अब की बार जब कॉरपोरेशन बनाएंगे इसमें मैं चाहूंगा कि आप सबका सहयोग मिलना चाहिए, इसमें आपकी मदद चाहिए, इस मदद को आप करिए आगे के लिए। अभी देखिए आप नेरचौक में कांग्रेस के समय में नगर परिषद बनाई थी, लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि हम नगर परिषद के इलाके से बाहर निकलना चाहिए, 6 पंचायतें हमने उससे बाहर निकाली है, क्योंकि उनको लगा कि हम गांव में रह करके खुश हैं। हमने कहा आप गांव में रह करके खुश है तो गांव में रहिए। आज से पहले वर्षों तक वो सरकारें रही लेकिन वो इस बात पर सोच नहीं पाई, उन्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी के लिए मदद के लिए कैसे रास्ते निकाले जाए उन बातों को लेकर के सोचा नहीं। हिमाचल प्रदेश में हमने एक बात तय की कि हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। 2,92,000 गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है गैस का चूल्हा हर गांव में नहीं हर घर में पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की, और पूरे देश में हिमाचल एक प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। फिर भी कांग्रेस के वोट और 4,000 से ज्यादा कभी मकान नहीं बने। पिछले बजट में हमने 10,000 मकान हिमाचल प्रदेश बनाने का निर्णय किया और अब के बजट में हमने जो है 10,000 नहीं 12,000 मकान हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका अपना घर नहीं होगा, रहने लायक घर तो सबके पास होगा लेकिन अच्छा घर बनाए उसमें सरकार मदद कर रही है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बातें कहेंगे तो लंबी बात करेंगे, लेकिन आज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां पर बहुत सारे बातों को लेकर के जिक्र हमारे सब साथियों ने यहां पर किया है, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए एक परिस्थिति ऐसी है कि जहां ये 3 कॉरपोरेशन बनाई वहां विधायक अपने हिसाब के नहीं है। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं बोलता, यहां पालमपुर में भी ऐसे खटा हुआ आप लोगों ने पता नहीं कहां कमी चढ़ गई, चलो जो भी है, लेकिन अब लेकिन हम चाहते हैं कि इस कमी को आप इस कॉरपोरेशन के चुनाव में पूरा करें, इसको पूरा करें। यहां सड़कों का जिक्र हो रहा था, सड़क हमारे पुराने विधायक हमारे प्रवीण शर्मा जी ने एक बजट में डाली थी और कहा गया कि विधायक प्राथमिकता से दूसरे विधायक ने कांग्रेस कहा है उसको वो जमी नहीं, वो सड़क नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये भाजपा के लोगों के लिए जाती होगी या भाजपा के गांव के लिए उन लोगों के पास जाती होगी सड़क, और सड़क ही बदल दी हमने। कौन सी सड़क है मुझे मालूम नहीं, टांडा पंतेर सड़क जो है वो सड़क को बदल करके चेंज कर दिया, टांडा पंतेर सड़क MLA प्रायोरिटी के तहत जो स्कीम बनाई थी उसको बदल दिया गया। और यहां इस कॉरपोरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज मुझे लगती है जो करने की है वो ये है करने की कि यहां वर्षों से एक
एक व्यवस्था बनी है, उसी व्यवस्था में रह करके आप लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी बीच में परिवर्तन हुआ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उससे बाहर निकलना चाहिए और यहां से शुरुआत करिए। कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, ये नगर निगम का चुनाव है, इसके माध्यम से आप इस शुरुआत को करिए। मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं कह रहा था कि 3 कॉरपोरेशन बनाई, सोलन में भी हमारी पार्टी के विधायक नहीं, यहां पर भी हमारी पार्टी के विधायक नहीं। अगर आज मैं जहां आया हूं, मुख्यमंत्री सबका होता है, लेकिन मैं आज मैं पार्टी के कार्यक्रम में आया, आज मैं सीधी बात कर रहा हूं कि 3 कॉरपोरेशन, मंडी के कॉरपोरेशन में भी, वहां पर भी हमने विधायक अपना बनाया था। अनिल शर्मा को टिकट हमने दिया था, लेकिन बीच में वो कहां चला गया, मुझे बोलता है कि बेटे को टिकट चाहिए। मैंने कहा तो कल बोलेगा कि बहू के लिए भी चाहिए, परसों बोलेगा कि पोते के लिए भी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता भाई हमारी पार्टी में यहां। लेकिन ऐसी स्थिति है, हम चाहते हैं कि इस कमी को, जो विधायक की जो कमी रही है, इस कमी को आप पूरा करें। उसके बाद पालमपुर में जो करना होगा, जो विकास की दृष्टि से करने की जरूरत है, वो जिम्मेवारी हम लेते हैं, ये मैं आपको। इसलिए भाई और बहनों, आप सबसे विनम्र निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में हैं। यहां 4 कैंडिडेट जिनका जिक्र मुझसे पहले यहां पर किया गया, और यहां 11 नंबर वार्ड से संतोष जी हैं, 11 नंबर वार्ड से संतोष जी हैं, कमल का चुनाव थे। 7 तारीख को आप लोगों ने देखना, बटन दबाना और भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा संदेश पालनपुर की जनता की ओर से होगा। आप इनको जिता करके भेजिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनके वार्ड में जो भी काम करने के लिए होंगे, वो हमारी प्राथमिकता होगी, हमारी ओर से पूरा सहयोग उस सारे काम के लिए होगा। इस बात को हम आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। वार्ड नंबर 13 हमारे त्रिलोकचंद जी हैं, और त्रिलोकचंद जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता। 7 तारीख को आप इनके वार्ड में जाकर के जो है इनको अपना समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, इनको जिता करके भेजिए, कॉरपोरेशन बनाइए, और उसके बाद इनकी में जो भी करने का होगा, जो भी विकास की चीजें करने के लिए होगी, वो हम बैठ करके करेंगे। ये मैं आपके बीच में बात कहने के लिए आया था। आप सब लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लेकर के सारी बात सुनी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि पालमपुर एक ऐसी कॉरपोरेशन आने वाले समय में बने जो उदाहरण के रूप में जानी जाए, पहचानी जाए, जिसको देखने के लिए लोग आए कि कॉरपोरेशन